प्यारे बच्चों, क्लास 10th की कला की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और बच्चों, हम आज सीखेंगे कि किस तरीके से बटर पेपर का यूज़ करके जो है वो जो हमारे पास आकृतियाँ जो बनाने के लिए आती हैं उनका जैसे सिमिलर आकृति है, जितना पार्ट आप देख रहे होंगे, आपके सामने जो चित्र दिख रहा है जितना पार्ट इधर बना हुआ है सेम वैसा ही पार्ट बच्चों इस तरफ बना हुआ है, तो ऐसी आकृतियों को हम किस तरीके से ड्रा करेंगे, उनको किस तरीके से हम बनाएंगे, उनको हम सीखेंगे। तो ये हमारा है वर्ग में गुलाब के फूल पत्तियाँ व कलियों पर आलेखित लेखन। ठीक है, तो किस तरीके से इसको बनाएंगे हम उसको ध्यान दीजिए बच्चों। ये देखिए, ये चार्ट पेपर है। ठीक है, ये चार्ट पेपर नहीं, सॉरी, बटर पेपर है जो इस तरीके से आता है, मार्केट में मिलता है, जिसमें से ये धुंधले रूप से जो है, आंशिक रूप से ये पार है ना दिखाई दे रहा है आर पार जो है ना, तो इसमें से जो है हम चित्र को बनाएंगे। तो इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो इसको किस तरीके से हम यूज़ करेंगे उसको समझ लीजिए आप लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमने ये बटर पेपर लिया हुआ है इसको ना, तो इसमें देखिए आप जब इसको अच्छे से इस पर चिपका कर रखेंगे तो आपको चित्र जो है वो दिखाई दे रहा है। तो जब भी अगर मान लीजिए ये एक जगह से दूसरी जगह अगर छापना है तो आप डायरेक्ट उस डिज़ाइन पे आप इसको बना करके और दूसरी जगह पे छाप सकते हैं। मगर अगर मान लीजिए आपके लिए एग्ज़ाम में आ गया है ये क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, कोई भी हाफ पार्ट ना, जैसे ये दिया हुआ है तो इसका हाफ पार्ट आपको अपने मन से डिज़ाइन करना है। तो इसकी पहले की वीडियो क्लासेस में आपको बताया जा चुका है कि गुलाब का फूल किस तरीके से आपको बनाना है, उसकी पत्तियाँ किस तरीके से बनाना है, उसमें आलेखन सुंदर सजावट के लिए ये सब चीज़ें जो बनाई गई हैं ये सब किस तरीके से बनाना है। तो इसके वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो पुराने जो है प्लेलिस्ट में जाकर के, और आलेखन कला के वीडियो जो है उसमें डले हुए हैं बच्चों क्लास 10th के लिए क्रम से, तो आपके सिलेबस के अनुसार उनको देखिए और उसका लाभ लीजिए। और ये जो है हम लोग हाफ पार्ट जो है अपना ड्रा करेंगे और दूसरा हाफ वाला पार्ट सेम उसी तरीके का जो है वो इसकी सहायता से हम बनाएंगे। तो अगर मान लीजिए जैसे ये एग्ज़ाम में आता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हाफ पार्ट अपना हम लोगों ने बना लिया मान लीजिए, अब उसके बाद मान लीजिए अब इसे हम किस तरीके से इसमें जो है वो बनाए दूसरी तरफ किस तरीके से बनाएंगे, तो इसके लिए क्या करना है आपको, ये बटर पेपर जो है वो मार्केट में मिलता है ये लेना है, और जो आपकी ये डिज़ाइन बनाई गई है ना ये उसके ऊपर जो है आपको पतली नोक वाली पेंसिल से जो है वो ये ऊपर से बनाते चलना है। दिख रहा है, समझ में आ रहा होगा बच्चों किस तरीके से हम लोग इसको ड्रा कर रहे हैं, जो नीचे बना हुआ डिज़ाइन है बच्चों उसको बनाते चलना है आपको। तो ये देखिए यहाँ पर जैसे अगर मैं बनाया हम लोगों ने, तो ये देखिए इसका हाफ पार्ट हम लोग मान लीजिए लेके चल रहे हैं, इसी तरीके से आपको ये पूरा जो है वो ड्रा कर लेना है। जो आपने पहले एक बार बनाया है उसी के ऊपर आप जब इसको चलाएंगे ना, तो ये आपका ये बन जाएगा डिज़ाइन आपके आपको आपके इस पेपर पे बन जाएगा, फिर इसी से जो है हम दूसरी तरफ उसको छापेंगे। इसमें आपको समझ में भी आ जाएगा कि कहाँ पे आपका रह गया है, जब आप पेपर हटाएंगे तो फिर उसके ऊपर से दोबारा रख के भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये आप अपना इसका पूरा डिज़ाइन जो है जो बनाया गया है वो किसी और कपड़े में भी छापना है या कोई कहीं और आपको मान लीजिए इसका डिज़ाइन आपको बनाना है बच्चों, तो इसे आप बना सकते हैं। तो इसके लिए ये बटर पेपर का यूज़ करना है आपको, यही किया जाता है, बनाने की टेक्निक जो है वो यही है कि आपको बटर पेपर की सहायता से जो है एक हाफ वाला हिस्सा जो है आपको इसको बना लेना है, उसके बाद जो है उसी को बटर पेपर को दूसरी तरफ दूसरे हिस्से पे रख करके जो है वो ड्रा करना है। ये देखिए जैसे कि गुलाब का फूल मेरा लगभग बन गया है, एक पत्तियाँ जो एक पत्ती बना के देख ले रहे हैं कि किस तरीके से बन के आएगी, समझ में आ रहा होगा बच्चों किस तरीके से आपको ड्रा करना है। तो ये
ठीक है। अब इतना हिस्सा मैंने बना लिया है, आप समझ गए होंगे कि आपको किस तरीके से, तो ये हाफ वाला पूरा पार्ट आपको जो आपने ड्रा किया होगा ना, वो आपको इसी के ऊपर चला करके बना लेना है। अब देखिए इस पेपर को जैसे मैंने हटाया तो आपको दिख रहा होगा कि इस पेपर में जो मैंने बनाया है फ्लावर वो दिख रहा है ना। सेम वही वाला हिस्सा जो है वो आपको क्या करना है बच्चों, जैसे ये इधर बना हुआ है ना, तो अब इसको जो है वो पलट देना है। पलट करके जैसे ये अगर हमने इसको पलटा, ये देखिए पलट दिया है मैंने, अभी भी इसमें ये चीज़ें दिख रहा। अब इसे क्या करना है, उसी से मिलाते हुए आपको रखना है। और ये देखिए मैंने रखा है इसके ऊपर ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, अब जो हमने बनाया था चित्र उसको फिर थोड़ा नुकीली सी पेंसिल, बहुत इतनी भी नुकीली मत लीजिए क्योंकि ये जो वाटर पेपर होता है बहुत पतला होता है तो ये फट ना जाए, तो इसको ध्यान में रखते हुए जो है वो बिल्कुल थोड़ा नोक वाली चीज़ से आप गड़ाएंगे तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पूरा उस तरफ जो है वो उसके निशान जो हैं थोड़ा नुकीला रहेगा तो वो दिखने क्या लगेगा, मतलब छपने लगेगा कि हाँ कोई चीज़ उसका डिज़ाइन जो है वो हमारा बन गया है। तो ये आपको उस तरीके से जो है इस पर ड्रा कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया, उसी के ऊपर जो है वो ड्रा किया जा रहा है। तो ये जो है बच्चों उसी के ऊपर जो है जब हम इसमें बना रहे हैं इसको पेपर में ना, समझ में आ रहा है, ये जो हमारा बटर पेपर है ये सारा चित्र जो है वो उसी पे बन रहा है और इस तरीके से जो है उसकी पत्तियां भी बन जाएंगी। तो ये उस हम लोग बना लेंगे। अब इसके बाद जब इस पेपर को आप हटाएँगे, जब आपने ड्रा कर लिया पेपर हटाएँगे तो उसके निशान यहाँ पर दिखाई देंगे ना, ये तो जब निशान दिखाएंगे उसी के ऊपर आपको पेंसिल चला देनी है। तो वो जस्ट जैसा इस तरफ बना हुआ है बच्चों, सेम वही पार्ट, इसका हाफ वाला पार्ट जो है, सिमिलर पार्ट जो है वो बन करके तैयार हो जाएगा दूसरी तरफ। फिर उसके बाद उस पर आप कलर वगैरह भर सकते हैं। तो इस तरीके से अक्सर पूछा जाता है, तो इसमें जो है और इस तरीके से अगर जब हम ड्रा करते हैं बनाते हैं तो बहुत अच्छा हमारा आलेखन बनता है, सुंदर सा लगता है, सिमिलरिटी दिखती है कि हाँ ये का लग रहा है प्रतिबिंब बन करके सामने आ गया है। तो आपको इसके लिए बटर पेपर का यूज़ करना है, समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें बटर पेपर यूज़ करना है। और उसको पलट करके, जस्ट जो मैंने ये ड्रा किया उसको पलटना है तब उसका मुंह इस तरफ आएगा। अगर आप इसी तरीके का उठा के इस तरफ कर देंगे तो उसका मुंह इस फूल का मुंह इस तरफ रहेगा, लेकिन जब आप पलट के करेंगे तो जस्ट इसी का जो है मिरर इमेज बन करके सामने आएगी। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से जो हाफ वाला पार्ट ड्रा करना है। तो आज की वीडियो क्लास में बच्चों बस इतना ही, और अगर पसंद आ रहा हो पढ़ाना तो बच्चों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे चैनल पर नए हैं बच्चों तो सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही बच्चों इस चीज़ को भी ध्यान रखिए कि प्लेलिस्ट जो है मेरे चैनल की, जो प्लेलिस्ट है उसमें क्लास 10th आर्ट के जो है वो दोनों बुक के सिलेबस के अनुसार वीडियो डले हुए हैं, आप उनको देखिए, उनका लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए क्योंकि सिलेबस के अनुसार जो है वो वीडियो बहुत ही कम है, तो उसका लाभ ले सकते हैं आप लोग। ये वीडियो क्लासेस एकदम निःशुल्क हैं, फ्री में है, तो आप उसका लाभ लीजिए, शेयर कीजिए दूसरों को भी। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो क्लास में, धन्यवाद बच्चों।